नमस्कार, स्वागत है आपका विंध्य भारत में। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबर। मध्य प्रदेश शासन के मंत्री एवं विधायक राजेंद्र शुक्ला का रीवा आगमन पर जगह जगह हो रहा भव्य स्वागत। चोरहटा पहुंचने पर मंत्री राजेंद्र शुक्ला ने शिव मंदिर में किया जल अभिषेक। सांसद जनार्दन मिश्रा, सेमरिया विधायक त्रिपाठी, नगर निगम अध्यक्ष वेंकटेश पांडे एवं भाजपा जिला अध्यक्ष डॉ अजय सिंह एवं भाजपा नेता वीरेंद्र गुप्ता, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल ने भी किया स्वागत। कैबिनेट मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि 20 वर्षों से विंध्य की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। प्रदेश और केंद्र के संगठन ने ताकत दी है। यह सम्मान विंध्य की जनता का है। 15 महीने की कमलनाथ सरकार भी आप मुंह खोल रही है। एक कहावत है, रूपा बोले तो बोले चलनी, क्या बोले वही हाल है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का 15 महीने की सरकार में वल्लभ भवन को दलालों का अड्डा बना दिया था। भारतीय जनता पार्टी अनुशासन की पार्टी है। विधायक रहते हुए भी विकास को नहीं छोड़ा था और आप भी नहीं छोड़ेंगे। 2018 में जिस तरह से 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, इस बार भी 8 सीट बीजेपी के कब्जे में ही रहे। शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेश शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विकास पुरुष राजेश शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेश शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विकास पुरुष राजेश शुक्ला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। राजेश शुक्ला जिंदाबाद। हम सबके बीच में आदरणीय विधायक कीर्ति त्रिपाठी जी है, उनका भी स्वागत। हमारे आदरणीय राजेंद्र पांडे जी प्रधानमंत्री का पुष्पहारों से स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी मीडिया के हमारे प्रदेश के संयोजक आदरणीय अनिल पटेल जी से आग्रह है कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय मनीषा पाठक जी से विनम्र आग्रह है कि माननीय मंत्री जी का पुत्र से स्वागत करें। भारतीय जनता पार्टी की जिले की मंत्री नीलू रावत जी से आग्रह है जो पुत्र देगा, इसका स्वागत कर रहे हैं। हम श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी का स्वागत कर रहे हैं। और जिस आज कैबिनेट, कल उन्होंने कैबिनेट मंत्री का शपथ लिया है, उसकी खुशी के लिए हम सभी सरदार नगर कलोनी एवं गुड़हर मोड़ के लोग सभी लोग उत्साहित हैं। आज उनका जो है स्वागत करने के लिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। और जैसा कि रीवा के बारे में मालूम ही है कि तो बाहर के नेताओं को भी कहना शुरू कर दिया है कि हमें जलन होने लगी है। वो राजेंद्र शुक्ला जी रीवा को जो है आज 10 सालों 15 सालों में पहले की इसको जो है तो बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहलाता था रीवा। आज रीवा हमारा बहुत ऊंचाई में पहुंच चुका है। ऐसे विकास पुरुष के स्वागत के लिए हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब हम फिर से उनके कैबिनेट मंत्री बनने में रीवा को और आगे देखना चाहते हैं कि राजेंद्र शुक्ला जिंदाबाद। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।